सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइंस स्टार। अगर आप चैनल फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन जरूर से ऑल प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम एसवीपी ग्लोबल टेक्सटाइल लिमिटेड के बारे में, जो फिलहाल 9.34 पे ट्रेड कर रहा है। अपने लिस्टिंग प्राइस से 90% डिस्काउंट पे ट्रेड कर रहा है। क्या स्टॉक को बाय कर लेना चाहिए, बाय करके इसको होल्ड करना चाहिए, सेल करना चाहिए, पूरा बताऊंगा आज के इस वीडियो में। और बहुत सारे हमारे ऐसे व्यूअर्स है जिसको बाय करके परेशान हो चुके हैं, बहुत दिनों से स्टॉक को रिटर्न बना के नहीं दिया, स्टॉक लगातार गिरते हुए देखने को मिल रहा है। और फिलहाल देखिए तो करीब 6 महीने से साइड वे में ही ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। अब यहाँ से इसमें आपको एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। स्टॉक को लेकर बहुत ही बड़ी न्यूज आई है। उससे पहले उसमें आपको बता दूं, हमने आपको HSCL हिमादी स्पेशलिटी केमिकल लिमिटेड करीब 40 रुपए रिकमेंड करता है। यहाँ देखते हैं करीब 88 रुपए में वीडियो मिल चुका है, इसमें आपको हमारे चैनल भी शो हो जाएगा। और अभी फिलहाल आप देखें तो स्टॉक करीब करीब 370 रुपए के आसपास पहुंच चुका है। और अगर आपने इसको बाय करा आराम से होल्ड करिए, आराम से आपको इस हफ्ते के अंदर अंदर 400 रुपए तक भी जाते देखने को मिल सकता है। और लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसको होल्ड करेंगे, 6 महीने के हिसाब से, ज्यादा भी नहीं बता रहा हूँ, बस 6 महीने के हिसाब से, तो आपको आराम से 600 रुपए तक जाते हुए देखने को मिल सकता है। उसी तरह हमने आपको TV18 ब्रॉडकास्ट करीब 29 पे रिकमेंड करा था, अभी फिलहाल देखिए करीब 60 रुपए के आसपास आ चुका है। तो इसमें से थोड़ा सा चाहे तो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं, अपना कैपिटल निकाल सकते हैं, बस प्रॉफिट प्रॉफिट लगे रहने दीजिए। और इस तरह हमने आपको टाटा पावर वैसे बहुत सारे स्टॉक बता रखे थे, लाइक जेई पावर 6 रुपए पे रिकमेंड करा था, उसी तरह अवधि कैपिटल 4 रुपए पे रिकमेंड करता, उसी तरह आज मैं आपको एसवीपी ग्लोबल टेक्सटाइल रिकमेंड करने वाला हूँ। अगर इसका मार्केट कैप देखें तो 117 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो कि बहुत ही सही है इसके प्राइस के हिसाब से। फंडामेंटल नो डाउट बहुत ही अच्छा, अगर आप कंपेयर करेंगे दूसरे टेक्सटाइल स्टॉक से तो उसके फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। और वहीं अगर आप इसका चार्ट पैटर्न देखें, मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर आप चार्ट भी देखेंगे स्टॉक का, तो अगर आप देखें 1 महीने के अंदर स्टॉक 5% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, 6 महीने देखेंगे तो 5% का रिटर्न देखने को मिल रहा है, साल भर में देखेंगे तो करीब करीब 67% स्टॉक डिस्काउंट पे मिल रहा है, जो कि बहुत ही सही है। अभी तक साइडवे में ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। और मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर आप किसी भी शेयर को बाय करने की सोच रहे हैं तो उसको तेजी में बाई मत करिए, जब उसमें तेजी आती है या फिर स्टॉक गिरता है तब उसको बाय नहीं करना, जब वो साइडवे में ट्रेड करता रहता है तब आपको पता लगाना स्टॉक ऊपर जाएगा या नहीं जाएगा। उसी तरह के प्राइस पर भी स्टॉक ट्रेड कर रहा है। वहीं अगर आप इसका फंडामेंटल देखेंगे, जिसका सेल्स था सितंबर 2020 में 365 था, जो कि फिलहाल सितंबर 2020 में 73 हो चुका है, तो यहाँ थोड़ा सा खराब देखने को मिल रहा है, कंपनी का सेल्स घटते हुए देखने को मिल रहा है। और ये डाटा सितंबर का है, दिसंबर फरवरी का अभी तक नहीं आया, तो मुझे ये पर्सनली थोड़ा सा खराब लगा है। वहीं अगर आप इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखें, जो कि 50 था, जो कि फिलहाल अगर आप देखें सितंबर 2023 में तो -2 देखने को मिल रहा है, जो कि अगर आप देखें तो ओवरऑल घटते हुए देखने को मिल रहा है, माइनस देखने को मिल रहा है, जो कि खराब बात है। पर अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो सही देखने को मिल रहा है। वहीं अगर आप बैलेंस शीट देखेंगे, जो इनका इक्विटी कैपिटल था मार्च 2015 में 13 था, जो कि फिलहाल सितंबर 2023 में 13 देखने को मिल रहा है। वहीं शेयर होल्डर पैटर्न देखें, जो कि 68 से घटकर अभी 52 हो चुका है दिसंबर 2023 में। और FIs की होल्डिंग हालांकि इसमें बढ़ते हुए देखने को मिलती है, 0.02 हो गई थी, जो कि फिलहाल से वापस से 0 होते हुए देखने को मिल रही है, जो कि मुझे खराब लगा है। पब्लिक की देखिए 31.29 थी, जो कि फिलहाल 47.25 हो चुकी है, तो यहाँ पब्लिक की होल्डिंग भी घटते हुए देखने को मतलब बढ़ते हुए देखने को मिल रही है। और जितने भी आपको खराब स्टॉक देखने को मिलेंगे उन सब में आपको पब्लिक की होल्डिंग बढ़ते हुए देखने को मिलेगी। DIs और गवर्नमेंट और अदर की होल्डिंग देखने को नहीं मिल रही, जो कि बहुत ही खराब बात है। तो फंडामेंटल उतना अच्छा नहीं है, चार्ट देखिए तो बहुत ही सही प्राइस पर ट्रेड कर रहा है। मैं बस आपको यही कहना चाहूंगा, आपने बहुत ही ज्यादा ऊपर की प्राइस पर ट्रेड बाई कर लिया तो लॉस बुक करने का कोई मतलब बनता नहीं है। पर अगर आप फ्रेश एंट्री लेने की सोच रहे हैं, थोड़ा सा वेट करें, स्टॉक आपको आराम से वापस 8 रुपए के आसपास आते हुए देखने को मिल सकता है, वहां इसको आराम से बाई करेगा और इस पर आपको इसमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। फिर भी अगर इस स्टॉक का आप अभी बाई करने की सोच रहे हैं, मैं आप व्यूअर्स आपको यही बोलना चाहता हूँ, पूरा पैसा एक बार में मत लगेगा, थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी बाई करते रहिएगा, जिससे स्टॉक और भी गिरेगा तो आपकी जो आपका लॉस होगा वो कम से कम होगा। मतलब आपने आपको मान लो 1000 क्वांटिटी बाई करनी, तो आज मान लीजिए 100 का बाई करिए, कल स्टॉक और गिरता है तो कल और 100 बाई करिए, फिर परसों और गिरता है तो परसों और 100, ऐसे करके आप इसको बाई करिए। अगर आप किसी और स्टॉक में फंसे हुए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूंगा उस पर वीडियो बनाने की, वीडियो नहीं बना पाऊंगा तो मैं आपको कमेंट का रिप्लाई जरूर से दे दूंगा। और आप किसी शेयर को बाई करने की भी सोच रहे हैं तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। बाकी फिलहाल मैं आपको इस स्टॉक से दूर रहने की सलाह दूंगा, बहुत ही अच्छे स्टॉक है जो बहुत ही सही प्राइस पे ट्रेड कर रहे हैं, आप उनकी तरफ जा सकते हैं। मिड कैप स्मॉल के वो लार्ज कैप स्टॉक है, HDFC बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, MTR हो गया, रिलायंस हो गया, आवास फाइनेंस हो गया, SBI कार्ड हो गया, जुबिलेंट फूड हो गया, ऐसे बहुत सारे अच्छे स्टॉक है जो आपको 2024 में आराम से डबल होते देखने को मिल सकते हैं, जिनके फंडामेंटल बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप उनकी तरफ जाइए। फिलहाल आप ऐसे स्टॉक से दूर रहिए। तो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।